चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। टुंडला में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद जाट महासभा रालोद व भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया मिष्ठान वितरित। भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भाजपा सरकार ने भारत रत्न देकर सारे जाट समाज को किया है सम्मानित। रालोद जिलाध्यक्ष देशराज सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया है उसका ब्याज सहित लौटाने का काम रालोद करेगा। भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि चौधरी साहब वास्तव में इस सम्मान के हकदार हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने आज भारत के किसानों के मसीहा, करोड़ों किसानों के पितामह ऐसे चौधरी चरण सिंह को ऐसा भारत रत्न देके सम्मानित किया है। यह केवल मोदी जी ही कर सकते थे। मोदी जी के नेतृत्व में माननीय चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है। यह पूरे देश के किसान इससे प्रसन्न है, किसान परिवार प्रसन्न है, क्योंकि चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सभी की लड़ाई लड़ी। ऐसा मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर पूरे भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान किया है और ये भारत की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अवसर पर बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा, अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।